मुर्दाबाद 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 रीत बिट्टू हाय 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 रीत बिट्टू गुणा कर लिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद रीत बिट्टू हाय 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 रीत बिट्टू हाय 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 बिट्टू रे से गुंडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस से गुंडे हाय 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 कांग्रेस से गुंडे मुर्दाबाद गौतम अरोड़ा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृतसर। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब की सारी लीडरशिप के आह्वान पे आज हमने जिला अमृतसर में जमनीत सिंह बिट्टू का पुतला भूखा प्रदर्शन किया है, जो कि बिट्टू द्वारा एक बयान दिया गया था कि हम पंजाब में किसानों के हक में लाशों के ढेर बिछा देंगे, जो कि बहुत निंदनीय एक ये बयान है। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। हम उससे पूछे जाते हैं कि बिट्टू जी, आप किसकी लाशों के ढेर बिछाना चाहते हैं? उनकी लाशों के ढेर बिछाना चाहते हैं जिनको एमपी बनाया आपको, वो सरकार जिनको आपकी पंजाब के लोगों की लाशों के ढेर बिछाना चाहते हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनाई। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि किसकी लाशों के ढेर बिछाना चाहते हैं? और गमरीत सिंह बिट्टू जी ये बयान दे के किसानों के शांतिमय आंदोलन को भंग कर रहे हैं और पंजाब की अमन और शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा बिल्कुल भंग नहीं होने देगा। लेकिन बिलों को लेकर भी काफी विरोध हो रहा है भाजपा का। देखो जी, जेड़ा बिलों की गल है, साढ़े जेड़े माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो हमेशा किसानों बारे ही सोचते हैं। 6 साल तो किसानों बारे सोच रहे ने। पिछले दिन उन्होंने 18,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में पाया है, नाल दे नाल अरबा रुपये उन्होंने जो बंद किए ने जोड़े उन्होंने उधार से, नाल 7 मंगा किसानों ने कही सत मंगा साड़ी मनिया जान, जिदे एम एस पी की गल हो, चाहे गल हो मंडीकरण खत्म करन दी, चाहे मंडीकरण रखन दी, चाहे गल हो एम एस पी की, सारी मंगा उन्होंने पूरी कीतियां ने, चाहे एस डी एम कोर्ट तो सिविल कोर्ट जाने की गल हो, चाहे फार्मर कोर्ट अलग बनाने की गल हो, साड़ी सरकार ने सारी मंगा पूरी कीतियां ने। सो ये प्रोटेस्ट का मतलब नहीं बनता, जेकर मंगा सरकार वालों मनिया गई फिर भी किसान जो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, जदों तक रवनीत सिंह बिट्टू वर्गे अग लाने वाले लीडर इतने रहन गए उदों तक किसान मैंने नहीं लगता प्रोटेस्ट बंद कर सकते। किसानों का कहना है कि रादी करवाया जाएगा बिल मंगा दे संतुष्ट। मैं तुम्हें जवाब दिता जी, जो तक ताकत हैवी रहनगियाँ विरोधी ताकत नक्सलवादी ताकत जो तक हैवी रहनगियाँ उदों तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि साड़ी जी प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार है वो तो हमेशा किसानों के हक में है, किसानों के विकास की वचनबद्ध है। सो वचनबद्ध है, देखो जी कानून जो सरकार ने बनाए ने, जो कानून ही उन्होंने मर्जी अमेंडमेंट हो गई है, फिर रद्द करने का मतलब नहीं बनता। उन्होंने 7 मंगा मनिया से, 7 दी 7 मंगा किसानों की मनिया गई ने, जब किसानों ने सारी मंगा मान लिया मोदी साहब ने, फिर प्रोटेस्ट का कानून का रद्द करना।
मैं एडवोकेट राजेश हनी सचिव भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश। अज भारतीय जनता युवा अमृतसर वालों सांसद रवनीत बिट्टू का जिहड़ा हैगा पुतला दहन किया गया है। पिछले कुछ समय के उत्तों रवनीत बिट्टू जिहड़े ने वह भैड़ी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अर्धगल बयान दे रहे हैं, राजनीतिक मर्यादा का हनन कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू नू अपने इस बयान से शर्म आनी चाहिए है। एडे वड्डे उत्ते ते बह के इस इहोजे बेवकूफी भरे बयान देना जिहड़े शर्मनाक गल है। मैनू लगता है रवनीत बिट्टू का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उन्होंने दिमाग दे विच कोई कैमिकल लोचा चल रहा है गा और उन्होंने दिमाग के जुबान का जिहड़ा है वह कनैक्शन अंदरों कट गया है, जिस करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन भाजपा के विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है किसानी अंदोलन च। देखो सामने देखे अज लोकतंत्र है, देश के लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हर किसी अपनी गल रख अपना गल रख का हक है। लेकिन तुम एक गल ध्यान दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी 8-9 दौर की बातचीत कर रही है और केंद्र सरकार के सारे ही वड्डे मंत्री जिहड़े आ लगी इस मसले को हल करन वास्ते, निश्चित तौर दे उत्ते इसका हल निकलेगा। मीटिंगां च निकलेगा हल, अज भी मीटिंग है और निश्चित तौर पर जिहड़ा है किसानों की मंगा के अनुरूप जिहड़ा हल बड़ी जल्दी निकल आएगा। कांग्रेस पार्टी अपने इस सांसद से नकेल कट कसनी चाहिए हैगी है, उन्होंने जबान को लगाम लगानी चाहिए हैगी है और पंजाब सरकार रवनीत बिट्टू से जल्द तो जल्द जिहड़ा है मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए है।